फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल कैशलेस मास्टर में। मैं हूं शुभम। सो आपको मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि जो पेटीएम का पीएसए जो होता है, यानी कि पेटीएम सर्विस एजेंट, उसका जो है किट आ चुका है मेरे पास आज। तो मैं आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, और उसके अंदर जो जो चीज़ें वो सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वो बने रहिए एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं। तो ऐसे ही आपको जानकारी चाहिए पेटीएम के रिलेटेड या फिर जॉब रिलेटेड, तो आपको मेरे इस चैनल पर दिख जाएगा। ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो बनाई है, तो आई बटन पर आपको लिंक दिख जाएगा, आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं आपको जॉब की जरूरत होगी। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, नीचे अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू देखते हो करते यहाँ पे हैं। कुछ बॉक्स आया मेरा, इस प्रकार का ये बॉक्स थोड़ा वहाँ से ही खुला हुआ है, लेकिन मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आप आई होप आप सबको दिख रहा होगा ये बॉक्स इतना बड़ा सा है। ठीक है, अब इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे खोल देता। पहले इसमें आपको लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि कंपनी पेड, यानी कंपनी ने ऑलरेडी पे किया हुआ है, नो कैश टू बी कलेक्टेड, हमसे कोई कैश कलेक्ट नहीं किया जाएगा। आप देखिए, अब इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या खोलना ही है हमें। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से ऐसे फाड़ देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सामने पूरा ओपन कर रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, मुझे आई होप बैग होगा अंदर, और ज़्यादा ज़्यादा जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वही होगा यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ ब्रो। अब कोई लोग ये भी कमेंट करेंगे कि मैं क्यों नहीं, नुकीले टूल का क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिंपल सी बात है, बाकी ये अच्छे से पैक करके ही आता है यहाँ पर। और अगर ये पहला मेरा वीडियो ऐसा है जिसमें मैं अच्छे से पूरी बता सकता हूँ आपको मैं, सो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के, ये देख लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। बाकी मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए बॉक्स मैंने ओपन कर चुका हूँ यहाँ पे मैं। अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से खोलता हूँ, ये देखिए अब आपको पूरा पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये अंदर इतनी सारी चीज़ें, ये आपको दिया जाता है पेटीएम का एक सेलो टेप दिया जाता है यहाँ पे, सभी को यही मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए अभी नीचे का जो स्टैंड लगाने का आता है ना, ये मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, इसको मैं भी बताऊँगा। ये देखिए क्यूआर कोड आता है, ये क्यूआर कोड इनसे सॉरी, ये आता है एक्सेप्टेड बोलते हैं इसको पेटीएम की भाषा में। तो ये एक्सेप्टेड स्टिकर होता है हमारे पास यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमको 50 जितना दिया जाता है, वो भी मैं आपको मैं खोल के बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा देर में। अब जो दिया जाएगा आपको यहाँ पे वो है ये क्यूआर कोड, ये ऑल इन वन क्यूआर कोड बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये ऑल इन वन क्यूआर कोड भी दिया जाएगा आपको यहाँ पर। अब ये देखिए इसके अंदर ये स्टैंड ही दिया जा रहा है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े, लेकिन मैं तो भी आपको बता देता हूँ, ये स्टैंड आपको उन्हें बनाना होता है अपने, लास्ट में वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब अगला जो स्टेप आपको ये देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सनपैक। तो ये सनपैक जो है काम की चीज़ होती है, ये इसके लिए होती है जो आपके पास, मान लीजिए आपके पास मौजूद नहीं है, और इसमें जो क्यूआर कोड लगाने के लिए बोर्ड नहीं है मौजूद है दुकान के पास, तो ये लगाना पड़ता है आपको उस टाइम पे। तो और ये जो है इसका क्यूआर कोड दिया है इस पर लगाने के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए आया है। अब अगला जो है यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या, ये अब एक और चीज़ निकलेगा यहाँ पे हमारे लिए, अब ये बैग निकलना है हमारे इसमें, ठीक है। अब बैग के अंदर आप देखना पड़ेगा कि टी शर्ट है या नहीं है, टी शर्ट भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए यहाँ पे। तो हम इस बैग को भी ओपन कर लेते हैं, जिसमें आपको पेटीएम लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग को टी शर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज टी शर्ट शायद ही संभावना होती है आने की, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार फिर भी, ठीक है। अंदर से आप देख सकते हैं ऐसा आता है इसमें, और जो है टी शर्ट अभी मेरे हिसाब से नहीं दिए कंपनी ने, टी शर्ट तो नहीं दिया तब हम लोग करेंगे क्या, कोई बात नहीं, तब तक काम चलाएंगे ऐसे ही। मुझे लगता है टी शर्ट आना चाहिए, बट टी शर्ट नहीं आया यहाँ पर। मैं इसको कर देता है साउट साइड। तो ये हमारा पहला बैग आ गया पेटीएम का, इसको भी अभी साइड कर देता हूँ मैं। अब जो है ये क्यूआर कोड आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं बनाने का बता देता हूँ मैं आपको कैसे बनाना होता है। तो इसको जो है सबसे पहले ओपन करना होगा आपको। तो मेरे पास कुछ कलेक्शंस पड़े हैं ऑलरेडी, सो मैं उसको मैं आप ऐसे ही बताना चाहूँगा। सो देखिए ये जो है इसको आपको इसके ऊपर, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ले लेना है एक ऐसे ही, एक के अंदर दो आता है, ठीक है। इसको ओपन करो यहाँ पे। अब जो है ये क्यूआर कोड आपको इस पर प्लेस करना है। तो ये क्यूआर कोड प्लेस करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। देखिए इसको खोल लेता हूँ मैं यहाँ से पहले। तो सब में एकदम सेलो टेप मार के भेजा जाता है, तो पूरी तरीके से पैक आता है ये। मेरे हिसाब से टी शर्ट का कुछ लोचा हुआ है, मैं कंपनी से बात करूंगा, खैर टी शर्ट भी देना चाहिए मेरे को जो है। ऑलरेडी ऑफिस से मेरे पास 5 टी शर्ट पड़े हैं, तो मुझे कोई लेने की जरूरत है नहीं। फिर भी शायद आपको आए तो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अब ये जो है मैंने क्यूआर कोड निकाल लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ओपन करने के बाद आपको जो है इसको इस पर प्लेस कर देना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो मैं इसके लिए भी आपको मैं बता दूं, कंपनी का कांटेक्ट करके वापस से मंगवा सकते हो, ये देख लीजिए, ठीक है। अब बाकी के अपने ऑफिस से भी ले सकते हो, आपको जो पीएसए और वेबिनार वगैरह में आप पूछ लीजिएगा ये सब चीज़ें। ये बन गया हमारा क्यूआर कोड, इसके पीछे जो लगाना होता है वो मर्चेंट हेल्प डेस्क लगाना होता है, वो भी चीज़ें हमको दिया गया है, मैं बताऊँगा आपको मैं। अब जो वो अपने को नहीं दिया है तो कोई बात नहीं,
उसमें आप फोटो में इसको ही डाल सकते हो। अब कैसे ऑनबोर्डिंग बनाना है वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको एक ओपन कर लिया आपने, देन आपको यहाँ पर इसमें इसको फिक्स कर देना है नीचे से। ये फिक्स कर दिया आपने, अब ये देखिए ये फिक्स हो गया अच्छे से। अब एक ये क्यूआर कोड जो बन चुका है बराबर का, इसको स्टैंड में ऐसे रखा जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर जो है स्टिकर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये था कुछ हमारा क्यूआर कोड बनने का प्रोसेस। ये दुकान के शटर के पट्टी पे लगाना चाहे तो कोई बोले तो लगा सकते हैं, बाकी आप दुकान के जैसे माल लारी वगैरह हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लारी वगैरह के जो पट्टी होती है उस पर आपको सेलो टेप लगा देना है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। सो आज आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और लास्ट में एक और चीज़ बताते हैं मैं बता जाऊँगा, ये जो होता है आपको ये सनपैक, सनपैक के ऊपर आपको दुकान वाले से नाम पूछ लेना है, आपको यहाँ पे नाम लिखना रहेगा और आपको कंपलसरी जो है इसमें ये वाला स्टिकर यहाँ पे चोटा लगाना रहेगा। इसके लिए हम एक अलग वीडियो देखेंगे, तो उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो पे इस चैनल पे बने रहिएगा। बाकी मैं आपको MID कैसे करनी है मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के साथ बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।